सो इन अगार डिफ्यूजन एंटी माइक्रोबियल एसे बेसिकली इट इज़ परफॉर्म टू चेक द पोटेंसी ऑफ एनी कंपाउंड अगेंस्ट माइक्रोबियल एजेंट्स राइट. इफ द पोटेंसी ऑफ कंपाउंड इज वेरी गुड देन गुड जोन ऑफ इनहिबिशन कैन बी ऑब्जर्व एज यू कैन सी ऑन दिस डायग्राम. बेसिकली वेन एवर एनी कंपाउंड्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इज फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू अगार डिफ्यूजन एसे इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मीन्स वॉट एवर द केमिकल विच इज अवेलेबल विच इज ऑलरेडी फाउंड आउट राइट. द कंपेरिजन इज डन विद दोज कंपाउंड्स. सो हियर यू कैन सी दैट थ्री डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन फॉर स्टैंडर्ड और रेफरेंस कंपाउंड एज वेल एज अननोन कंपाउंड. हियर यू कैन सी U1, U2 एंड U3 आर थ्री डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन 1, अननोन 2 एंड अननोन 3. द कंपाउंड इज सेम दैट इज अननोन कंपाउंड बट इट्स थ्री कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन 25, 50 एंड 75. एट द सेम टाइम थ्री डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो टेकन. S1 इज कोड फॉर 25 माइक्रोग्राम, S2 इज कोड फॉर 50 माइक्रोग्राम एंड S3 इज कोड फॉर 75 माइक्रोग्राम राइट. दिस इज वॉट कॉल एज अ पैरेलल लाइन एनालिसिस. फ्रॉम दिस ग्राफ यू मे कम टू नो दैट द पोटेंसी ऑफ अननोन कंपाउंड इज हायर देन द पोटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड या फिर रेफरेंस कंपाउंड. द सिंपल लॉजिक इज द ब्लू लाइन विच इज फॉर द अननोन कंपाउंड इज एट द अपर लेवल देन टू द स्टैंडर्ड कंपाउंड दैट इंडिकेट दैट द पोटेंसी ऑफ दिस अननोन कंपाउंड इज हायर राइट. बट एट वॉट एक्सटेंड द पोटेंसी इज हायर दैट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू सम स्टेटिस्टिकल ग्राफ्स राइट. एंड इन दिस ग्राफ ओनली फ्रॉम दिस ग्राफ ओनली वी विल फाइंड आउट फ्यू टर्म्स दैट इज EF, M ऑल दिस थिंग्स विल बी फाउंड आउट दैट वी विल सी राइट. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द सेम ग्राफ. इन दैट कैलकुलेशन द पोटेंसी ऑफ दिस अननोन कंपाउंड कैन बी फाउंड आउट. Few things can be identified through this graph, that is E. E means mean difference between adjacent dose. I will explain that you to in the graphical form. Second one is F, that is the difference between mean response to all unknown dose and standard dose. If you can see in this graph, okay, this is the same graph as you have seen that in previous session or in paint. I will take that into the paint so it will be easy for us to understand. As you can see, what is the definition of E? E is nothing but the mean difference between two dose interval. Mean difference between two adjacent dose interval. So as you can see in this graph, mean difference between two dose E. This is standard one. This is standard one and this is standard two right. So E is अगर हम standard two की बात करें तो standard two का response यहाँ पे हमको मिल रहा है. स्टैंडर्ड टू की वैल्यू यहाँ पे आई है तो जोन ऑफ इनहिबिशन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे तो वो यहाँ पे आएंगे. ई क्या हुआ? स्टैंडर्ड वन सेम डोज स्टैंडर्ड वन और स्टैंडर्ड टू के बीच में कितना डिफरेंस है दैट इज व्हाट कॉल एज अ ई.
वो हुआ आपका ई। सेकंड क्या था? एफ। एफ क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन रिस्पॉन्स टू ऑल अननोन डोज एंड टू दैट स्टैंडर्ड डोज। मतलब में मीन यहां पे ई क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन अननोन टू अननोन एडजेसेंट डोज। दैट इज अगर हम बात करें तो यू वन एंड यू टू के बीच का डिफरेंस, या फिर एस वन एंड एस टू के बीच का डिफरेंस, दैट इज व्हाट कॉल एज अ ई वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एफ वैल्यू क्या होगी? एफ मीन्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। एट सेम कॉन्सेंट्रेशन मतलब में अगर हमने एस वन लिया है तो यू वन कंसिडर करना है, उनके बीच का डिफरेंस। एस टू लिया है तो यू टू के साथ का डिफरेंस। साढ़ा बारह तो मैं अग्यारह वगे बीसी हुई तो हूँ ले लो। ओके, सो यू टू एंड एस टू के बीच का डिफरेंस, तो दैट इज व्हाट कॉल इज एफ। देखो अभी ये एस टू एंड यू टू मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये हुआ आपका यू टू और ये हुआ आपका एस टू। यू टू ने रिस्पॉन्स दिया है, सॉरी एस टू ने रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे और यू टू ने रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे। अननोन टू और स्टैंडर्ड टू दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस सेम है, तो ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एफ। समझ में आया? ओके, नाउ द थर्ड टर्म दैट इज आई, द लॉगरिदम ऑफ द रेशियो बिटवीन एडजेसेंट डोज, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ आई। कहां पे है आई? यहां से लेके यहां तक ये लॉगरिदम जो राइज हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, कितने अमाउंट में वो राइज हुआ है, उसको कहा जाएगा आई। राइट, एक और चीज है दैट इज बी, कि जब स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन से एग्जांपल फर्स्ट डोज यहां पे वन है और वो टेन फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, टेन, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट कॉल एज अ बी। ओके, नाउ द लास्ट इज एम। एम ये वैल्यू होती है कि जब इट इज द लॉगरिदम ऑफ रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड पोटेंसी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन फॉर अननोन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड, कि जब आपके अननोन ने, अननोन टू ने इतना इनहिबिशन दिखाया और स्टैंडर्ड टू ने इतना इनहिबिशन दिखाया, तो दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का कितना डिफरेंस है स्टैंडर्ड वन एंड अननोन वन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ एम। सो इस ग्राफ पे से हमको टेंटेटिवली इतनी चीजें जो है वो पता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस होते हैं। कैलकुलेशन इज डन टू फाइंड आउट द पोटेंसी डिफरेंस बिटवीन दिस कंपाउंड्स। पोटेंसी का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन होते हैं और उससे ई की एफ की वैल्यू दैट इज व्हाट इज द पोटेंसी दैट कैन बी फाइंड आउट। तो वो पोटेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू वन फोर्थ एस थ्री प्लस यू थ्री।
माइनस एस वन प्लस यू वन, इसको हम पेंट में ले लेते हैं, ओके. व्हाट इज द फॉर्मूला? ई इज इक्वल टू ई, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ एस थ्री प्लस यू थ्री माइनस यू वन प्लस यू टू. हाउ वी कैन डिफाइन इट? कि हमने तीन कॉन्सेंट्रेशन लिए, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्लस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन माइनस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्लस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमको कितना पोटेंसी है पर्टिकुलर ड्रग का वो मिलेगा. वी हैव टेकन थ्री कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज यू थ्री यू टू एंड यू वन, एस थ्री एस टू एंड एस वन. तो उस तीनों को भी हम ले सकते हैं, तो ये वन फोर्थ की जगह पे वन थ्री होगा. दिस इज एज पर द मैथमेटिकल फॉर्मूला. एंड फाइनली वी विल गेट एम. एम इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर पोटेंसी. यहाँ पे हमने देखा आगे की स्लाइड में कि वॉट एग्जैक्टली एम इज. एम इज अ पोटेंसी डिफरेंस बिटवीन सेम कॉन्सेंट्रेशन अननोन वन टू दैट स्टैंडर्ड वन, सो दैट वी विल गेट इट. एफ का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला. यू वन यू टू यू थ्री पे क्या रिस्पॉन्स आया है, एस वन एस टू एस थ्री पे क्या रिस्पॉन्स आया है, वो वैल्यू हमको इसमें पुटअप करनी है, इसके अंदर और इसके अंदर. रिस्पॉन्स मीन्स जोन ऑफ इनहिबिशन. तो उससे आप एफ फाइंड आउट कर लोगे. एफ की वैल्यू हमें इस कैलकुलेशन से पता चलेगी. बी इज अ लॉगरिथमिक राइज, डिफरेंस कितना है वो वैल्यू हमको पता होती है क्योंकि हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो हमको पता पड़ेगा. ये वैल्यू जब इस फॉर्मूला में पुटअप करोगे तो आपको पोटेंसी कितनी है आपके अननोन ड्रग की वो यहाँ पे पता चलेगा. दैट इज एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई बी. नाउ E इज द डिफरेंस बिटवीन मीन रिस्पॉन्स टू एडजस्टेंट डोज लेवल. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो S1 है S2 है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला पहले, वन फोर्थ इज इक्वल टू एस थ्री प्लस यू थ्री माइनस एस वन माइनस यू वन, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सो दिस इज थ्रू दिस कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन में आई डोंट थिंक कि हम सबको पढ़ना चाहिए, फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट हो इसमें इसको पढ़ने की तो मैं ये नोट्स अपलोड करूँगा, उसमें आप इसको देख लेना, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पोटेंसी एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंसी ऑफ एनी ड्रग. सो फॉर दैट पर्पज पैरेलल लाइन एनालिसिस कैन बी डन एंड थ्रू दिस वैल्यूज ऑफ द पैरेलल लाइन एनालिसिस, ई क्या है एफ क्या है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ई एफ को हम फॉर्मूला में रखेंगे और उससे हमको एम मिलेगा एंड एम इज द पोटेंसी डिफरेंस. ओके, थैंक यू. यू वॉच दिस वीडियो. इफ यू डोंट गेट द वीडियो देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन.